हेलो एनसीसी कैडेट्स, कैसे हो आप लोग? बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय कोरोना वायरस संक्रमण के प्रति देश ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व गंभीर संकट में पड़ा हुआ है। इस कोरोना संकट काल से बचने के लिए विभिन्न निर्देश, सरकारी निर्देश, स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं और उन सबको आपको पालन करते रहना है। बच्चों, आप सभी एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनसीसी कैडेट्स होने के कारण आपकी जिम्मेदारियां भी एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने देश के प्रति निभाने के लिए कैसे हम अपने आप को तैयार करें, इसके लिए सरकार ने हमारे बटालियन द्वारा या DGNCC, NCC डायरेक्टोरेट, ग्रुप हेडक्वार्टर और बटालियन के थ्रू बराबर मैसेज आपको मिल रहे हैं कि आप लोग आई गॉट प्रशिक्षण ले लें। KGMU लाइव प्रशिक्षण किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा भी लाइव प्रशिक्षण दिया गया, उसमें बहुत सारे कैडेट्स ने प्रशिक्षण लिया, उसमें टेस्ट लिया 30 नंबर के टेस्ट में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ कैडेट्स को ये समस्या आ रही कि आई गॉट ट्रेनिंग जो हमें लेना है, बटालियन के थ्रू और ANU के थ्रू सभी बच्चों को दिया जा रहा है निर्देश, उस आई गॉट ट्रेनिंग के लिए कैसे हम प्रशिक्षण लें और जो सर्टिफिकेट प्रशिक्षण सफल होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कैसे हम डाउनलोड करें, तो इसी से संबंधित ये एक छोटा सा वीडियो है, मैं उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ कि मैं लेफ्टिनेंट विजय यादव, 91 बटालियन NCC मुगलसराय। बच्चों, सबसे पहले हम आपको आई गॉट से जानकारी दे दें कि आई गॉट मीनिंग या आई गॉट का मतलब क्या है। आई गॉट का फुल फॉर्म पहले जानिए। आई गॉट का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ। आई गॉट, इसमें IGOT, ये है। आई गॉट का मतलब हुआ, यानी उसका फुल फॉर्म जो है, आई मीन्स इंटीग्रेटेड, जी फॉर गवर्नमेंट, ओ फॉर ऑनलाइन, टी फॉर ट्रेनिंग। मतलब इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि कोई छोटी छोटी चीज़ों को संयुक्त करना, ज्वाइन करना, एकीकृत करना, ठीक है, यूनाइट करना। तो जैसे कोई छोटा स्कूल हो, दो कई छोटे स्कूल हो, उनको एक में मर्ज करके एक बड़ा सा स्कूल बना दिया जाए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे, इस तरह से इसमें छोटे छोटे प्रशिक्षण हैं, बहुत सारे हैं। इसमें आपको आपके NCC रिलेटेड, COVID-19 संक्रमण रिलेटेड जो भी बचाव सावधानियां वो मिलेंगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा एक से ले करके, क्लास वन से ले करके क्लास 12 तक, किसी भी बोर्ड से हों, स्टेट बोर्ड से हों या NCERT CBSE बोर्ड से हों, उन सबके सभी क्लासों से संबंधित सभी विषय इनमें सब दिया गया है, मतलब एकीकृत कर दिया। ये एक ऐसा ऐप है, दीक्षा ऐप, जिसमें आपको सभी छोटे छोटे ट्रेनिंग, छोटे छोटे प्रशिक्षण जानकारियाँ इसमें संयुक्त रूप से दी गई है। और इसमें जो COVID-19 से संबंधित आई गॉट ट्रेनिंग है, ये आई गॉट COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए आपको इसमें बहुत सारे जानकारियाँ, प्रशिक्षण मिलेंगे कि NCC कैडेट के रूप में कैसे आप प्रभावित इलाकों में, प्रभावित समुदाय के बीच में कैसे फूड सामग्री, भोजन सामग्री को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, आदि आदि बहुत सारे आपके ड्यूटीज़ हैं जो कि इसमें सब आपको एक रिविज़न हो जाएगा, प्रशिक्षण मिल जाएगा।
तो बच्चों, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दीक्षा ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से, ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, दीक्षा ऐप DIXDIKSHA दीक्षा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद आपको इसमें अपना साइन अप यानी रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो आपको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है या कैसे प्रोफाइल एडिट करना है। तो ये मैंने बच्चों ऑलरेडी मैंने दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जो अध्ययन करना है। ये मेरा प्रोफाइल खुल गया है, ठीक है, ये प्रोफाइल खुल गया है, और प्रोफाइल में आपको मांगेगा फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तो ये सब आप लोग जब डाल देंगे तो उसके माध्यम से ये आपका साइन अप हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप एडिट करना है कौन कौन से आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, नीचे वाला देख रहे हैं एडिट का माध्यम है, ये देखिए ये एडिट, ठीक है। इस एडिट पर हम फिर से एडिट करेंगे, आपको दिखाते हैं मैंने किया हुआ है, फिर से आपको हम करके दिखाते हैं इसको। चाहे जितनी बार आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, कभी आप अपने क्लास के 11th 12th 9th 10th 11th 12th कोई भी विषय पढ़ना हो, हिंदी इंग्लिश मैथ बायो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, आप बार बार एडिट करके उसको पढ़ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको आई गॉट से संबंधित एनसीसी कैडेट के रूप में जानकारी लेनी है कि कैसे हम अपना आई गॉट प्रशिक्षण ट्रेनिंग पूरी करें, और प्रशिक्षण के सफल होने के बाद उसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, इसी पर ये वीडियो फोकस है और इसी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल ये हो गया, हम यहाँ पर एडिट करने जा रहे हैं अब इस एडिट, इसको अब ध्यान से देखते रहिएगा स्क्रीन पर। ये एडिट को हमने टच कर दिया, इसके बाद आ गया ये मेरा ऊपर, ये देख रहे हैं बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड आई गॉट हेल्थ। मैं इसको फिर से करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड आई गॉट हेल्थ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे CBSE बोर्ड कर सकते हैं, और UP उत्तर प्रदेश कर सकते हैं, देखिए सबसे नीचे उत्तराखंड है, उसके ऊपर स्टेट है, तो बहुत सारे कर सकते हैं। अभी आप आई गॉट हेल्थ के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ सबमिट कर देते हैं, सबमिट हो गया मेरा। अब मीडियम, बोर्ड के नीचे मीडियम है, मीडियम को यहाँ से करते हैं, और मीडियम के बाद देखते हैं हम हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, दोनों भाषा को कर सकते हैं या एक ही भाषा कर सकते हैं, हम हिंदी इंग्लिश कर ले रहे हैं। अब उसके बाद हम सबमिट कर दे रहे हैं, सबमिट हो गया। अब चलिए क्लास, क्लास में आपको यहाँ पर किस क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन करना है या आप प्रशिक्षण लेना है, तो आप डॉक्टर सही नहीं, आपको NCC कैडेट के रूप में लेना है तो आ जाइए। आप यहाँ पर देखिए वॉलंटियर है, वॉलंटियर के रूप में भी डाल सकते हैं, ठीक है, और नहीं डालना चाहते हैं तो हटा दीजिए, क्योंकि इससे संबंधित भी कुछ वीडियो, कुछ प्रशिक्षण ज़्यादा मिल जाएंगे, तो जब तक वो सब पूरा नहीं होगा तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप आ जाइए पुलिस, सिविल डिफेंस, ANM, अदर स्टेट ऑफिशियल, अदर्स पैरामेडिक्स, अदर टेक्नीशियन, आयुष डॉक्टर, और फिर नर्सेस, मिडवाइफ, MBBS स्टूडेंट, इधर डेंटिस्ट एंड डेंटल स्टूडेंट्स, लैब, फिर आशा वॉलंटियर। अब देखिए आ गया आंगनवाड़ी के बाद, देखिए NCC कैडेट, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद देख लीजिए और क्या है आपके लायक, अब कुछ नहीं है, ठीक है, NCC कैडेट हमने कर दिया। अब आ जाइए, सबमिट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट में हम आते हैं, तो सब्जेक्ट में बच्चों देखिए MOHFW है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसी ये हाइजीनिक वायरस बैक्टीरिया के प्रति स्वच्छता, हैंड वॉश, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सैनिटाइजिंग वगैरह, तो इसको भी कर सकते हैं। इसके बाद NCC आपका विशेष टॉपिक है, NCC कर लीजिए। और इसके बाद आप ये मेन रूप से स्टेट आई गॉट, ठीक है, ये स्टेट आई गॉट हो गया। और इसमें और करना चाहते हैं तो एक MOYA ये भी हो सकता है। तो हालांकि आपके ये चार सब्जेक्ट हो गए, अब चार सब्जेक्ट को पूरा करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसके मटेरियल जो सामग्री हैं स्टडी मटेरियल वो ज़्यादा हो जाएंगे। यदि आप चाहें तो सिर्फ NCC ही करके
अध्ययन कर सकते हैं, और मोया को भी हटा दीजिए, MOHFW को भी हटा दीजिए और मोया को भी हटा दीजिए, सिर्फ स्टेट आई गार्ड और NCC को करके पहले थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पहले थोड़े से शुरुआत करिए, उसके बाद जब इतना आप प्रशिक्षण ले लें उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम आप MOHFW और मोया का भी प्रशिक्षण ले लीजिए। तो पहले अभी दो पर चलते हैं, दो सब्जेक्ट को लेकर, स्टेट आई गार्ड और NCC पर, ठीक है। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर दिया और फिर सेव का बटन, सेव पर क्लिक कर देते हैं, ये हो गया, ये मेरा अब सब इतना सब इसमें सेव हो गया है। अब इसी से संबंधित हमको टॉपिक आएगा, मटेरियल आएगा जिसको हमें अध्ययन करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, देख रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पे ये कॉर्नर पे ये देखो, ये है लाइब्रेरी और यहाँ पे है ये ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग देख लिया आपने, ट्रेनिंग ये यहाँ पे हम ऐसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग के लिए हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, ये आ गया माई ट्रेनिंग और ओपन फॉर एनरोलमेंट। बच्चों ये माई ट्रेनिंग जो मैंने अब तक प्रशिक्षण ले लिया है उसके बारे में है, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले खुलेगा ये, सबसे पहले आपको खुलेगा ओपन फॉर एनरोलमेंट, ठीक है। तो यानी कौन कौन से टॉपिक के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एनरोलमेंट करना है उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू पर क्लिक करिएगा और बहुत सारे खुलते जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं तो इंग्लिश, या हिंदी कर सकते हैं तो हिंदी वाले आपको कर लेना है। तो ये चीज़ें होंगी। एक चीज़ और बच्चों, थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं, चलिए अभी बात बताता हूं, पहले इतना जान लीजिए। तो ये मेरा देख लीजिए, मेरा ये जो कोविड अवेयरनेस है हिंदी, ये 100% मेरा कोर्स पूरा हो चुका है। ये भी देखिए, मेरा ये कोर्स 100% पूरा हो गया है, नहीं अभी ये नहीं पूरा हुआ, सॉरी, लेकिन दोबारा मैंने खोला था इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, जबकि ये ग्रीन से हो गया है। तो पूरा फिर से मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये मेरा दूसरा देखिए, ये पूरा हो गया है, देख रहे हैं, ये ट्रेनी ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल, ये 100% पूरा हो गया है मेरा, दिखा रहा है, ये मेरा 100% पूरा हो गया दिखा रहा है ट्रेनिंग ऑनबोर्डिंग। ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाला, ये मैंने किया है, ये किया है, इतना मैंने प्रशिक्षण ले लिया है। और ये देखिए एक और COVID-19 ट्रेनिंग फॉर NCC कैडेट, ये मेरा सिर्फ 69% अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 69%। अभी इसको किसी टाइम में इसको 100% कर लूँगा देख करके। तो इसी तरह से आपका भी आएगा। तो चलिए अब ओपन फॉर एनरोलमेंट के लिए करते हैं, हम यहाँ व्यू पर क्लिक करते हैं। व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे आपके आएंगे, तो इसमें देखते जाइए कहाँ NCC से संबंधित टॉपिक आपके लायक है, और नहीं मिला नीचे ब्लू कलर में व्यू मोर लिखा हुआ है, उसको बढ़ के हम देख आगे टच करके आगे बढ़ते हैं। देखिए बेसिक ऑफ COVID-19 ये है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए ये हिंदी में है तो इस गुजराती में है, इसको छोड़िए, जाने दीजिए, वापस चले आइए। अब आ जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी से पार्टिसिपेंट डिटेल्स, ये मैंने किया हुआ था वो दिखा रहा है। इन्फेक्शन देखिए, ये देखिए मास्क लगा हुआ है, ये इसको आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं मास्क वाला, ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन यानी वायरस संक्रमण से बचाव के लिए, वायरस संक्रमण से कैसे बचाया जाए, कैसे प्रिवेंशन किया जाए कि न पहुँचे, मास्क है, भीड़ भाड़ से बचना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, और बार बार हाथ को हैंड वाश से, साबुन से धोते रहना है, ठीक है, और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको हम ओपन कर लीजिए मास्क वाला। अब देखिए ये लोडिंग सेगमेंट आई गॉट ट्रेनिंग, ये गुजराती भाषा में है, अभी हिंदी में भी इसका मिलेगा। अब वापस चले जाइए, ये गुजराती में है, इसे छोड़ दीजिए, आ जाइए, मैं हिंदी में दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे UP बोर्ड से जो पढ़ने वाले हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, कुछ CBSE बोर्ड से भी हैं, NCC कैडेट जो हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और है, ये इस तरह से, ये कोविड अवेयरनेस है, ये उड़िया, ODI लिखा है, उड़िया होगा, इसको छोड़िए, ये TA तमिल होगा, इसको भी छोड़िए, छोड़िए, आ जाइए फिर वी मोर में
टाइम टेबल ऐसे ऐसे आप खोजेंगे बहुत सारा नीचे दिया हुआ है। यूरिया ये भी है और ये भी छोड़िए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन ये इंग्लिश में है शायद या हिंदी में, फ़िलहाल देख लेते हैं। चलो देखते हैं कि हिंदी में है कि इंग्लिश में है। हाँ, लोडिंग हो रहा है और इसी तरह से आप करते जाएंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम वजह से अभी जीरो ही दिखा रहा है। चलो फिर से कैंसिल करके जाते हैं, फिर दोबारा ट्राई कर लेते हैं, शायद ये हिंदी मिल जाए। कोई एक हिंदी मिल जाता है तो मैं आपको समझा दूँ। बंगाली में है ये भी बंगाली में निकला। चलिए ऐसे आप भी ट्राई करेंगे, मैंने भी ऐसे ट्राई किया था। तो कोई चीज़ सीखना है तो जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। इस तरह से आप ये हिंदी मिला, देख रहे ना, ये लास्ट वाला जो है, देखिए ये हिंदी में या चाय लिखा है तो ये हिंदी ही है। और मैं इसको अब ओपन करता हूँ। ठीक, ये मैंने कर लिया था इसलिए सक्सेसफुली बता रहा है। देखिए ये आई गॉट हिंदी। और फिर मैं इसको एक फिर से वापस जाता हूँ। दूसरा खुल गया, नेटवर्क अगर सही रहेगा तो जल्दी खुलता है। ये मेरा डन हो गया है, लेकिन फिर से मैं आपको दिखाने के लिए, हाँ आ गया है फिर से। यहाँ से आप देखो डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से शेयर कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। फ़िलहाल अभी हम आपको ये प्ले, देख रहे हैं ये प्ले का बटन क्लिक करके हम दिखाते हैं क्या क्या इसमें है। ये लैंड, हाँ ये खुल गया लैंडस्केप। ये देखिए आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ही दिखाऊंगा, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ये 3:49 का है। जो खांसने से फैलती है टीवी पर भी दिखा रहे हैं उसके बारे में। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, लेकिन हर खांसने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रसित नहीं होता। साथ ही ध्यान देने वाली बात ये भी है कि खांसते या छींकते समय मुंह को ढक लें। ठीक है ना रवि भैया? अच्छा दीदी, अब मैं हमेशा खांसते या छींकते समय मुंह को जरूर ढक लूंगा। पर दीदी, खांसना या छींकना तो सामान्य जुकाम में भी होता है, कोरोना इससे अलग कैसे है? कोरोना में सूखी खांसी, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं। और इसी तरह से आप अपने प्रशिक्षण का जो भी आएगा, आप हिंदी में या इंग्लिश में अपनी भाषा के अनुसार, जो आपकी लैंग्वेज है उसके अनुसार वीडियो देखते जाएंगे। और जब वीडियो देख लेंगे तो ये पूरा जब ख़त्म हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं बढ़ा के थोड़ा दिखा रहा हूँ। और कोरोना की जांच और इलाज सरकार द्वारा प्रमाणित संस्थानों पर की जाती है, जिसकी सूची नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी के पास मौजूद है। इसको ध्यान से देखना है आपको। लोगों को अस्पताल में दूसरे मरीजों से अलग रखा जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोगों को चिकित्सा अधिकारी की सलाह अनुसार घर पर 14 दिन तक अलग रखा जाता है। इस दौरान घर के अन्य सदस्य और आसपास के लोगों को बिना घबराए और इस तरह से वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। आपको अवेयरनेस होगा COVID-19 वायरस जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। इसके लक्षण आप लोग जानेंगे क्या लक्षण होते हैं, तेज बुखार है, सूखी खांसी है, सांस लेने में तकलीफ, जो इसके प्रमुख लक्षण हैं, आदि आदि और भी जानकारियाँ, कैसे इसे बचा जाए, भीड़ भाड़ जाने से बचें, घर में ही रहना ज़्यादा सेफ़ है, सरकारी और स्वास्थ्य विभाग का
दिशा निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें। व्हाट्सएप मीडिया में बहुत सारे अफवाह फैल रहे हैं, उससे बचना चाहिए। और आपस में मतलब पॉजिटिव सकारात्मक सोच बनाए रखें, एक दूसरे के साथ रहें। ये सब बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी जो कोरोना से बचने के लिए, आपको और अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण इससे आपको मिल जाते हैं। और बच्चों, यह प्रशिक्षण आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप स्वयं इस वायरस संक्रमण के प्रति सावधान रहें, अपने परिवार को बचा सकें, अपने आसपास पड़ोसियों समाज को बचा सकें, और इस तरह से अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कभी अगर आवश्यकता पड़ गई तो आपको ऐसे समुदायों, ऐसे जो गरीब हैं, जहां भूख के मारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, वहां पर आपको भोजन पहुँचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इन सब से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। और जब आप पूरी तरह से जानकार हो जाएंगे, प्रशिक्षण ले लेंगे, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस मतलब आत्मबल बढ़ेगा और अपने कार्य को बहुत ही आत्मबल, आत्मविश्वास के आधार पर अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से सकुशल पूर्वक संपन्न कर पाएंगे। तो ये मकसद है DGNCC की तरफ से, NCC डायरेक्टरेट और ग्रुप हेडक्वार्टर और होते हुए CO बटालियन के माध्यम से आपके ANO मैसेज पहुंचाते हैं आपको, ताकि आप आईगार्ड ट्रेनिंग ले। तो मेरे समझ से आप सब समझ गए होंगे, बस थोड़ा सा और रह गया है, इसको जान लीजिए अंतिम प्रोसेस कि कैसे हम आईगार्ड प्रशिक्षण जब कंप्लीट होता है तो उसका सर्टिफिकेट हम कैसे डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने का तरीका, क्योंकि बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर आईगार्ड प्रशिक्षण कैसे लें, कुछ लोग ले ले रहे हैं लेकिन सर्टिफिकेट हमें नहीं मिल रहा है, कैसे लें। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बता ही रहा हूँ। तो चलिए कैसे, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका मान लीजिए कि आपने 3 मिनट 49 सेकंड का वीडियो पूरा देख लिया। अभी मैंने इसको आगे बढ़ा के दिखाया है लेकिन आप पूरा दिखेगा, आप कभी इस तरह से मत दिखेगा कि आगे खिसका करके, आगे बढ़ा करके वीडियो जल्दी ख़त्म करें। आप पूरा का पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और सबको दिखाइएगा, सुनिए ध्यान से। अब आपको बच्चों यहाँ पे जब ये वीडियो यहाँ लिख के आ जाएगा यू जस्ट कम्प्लीटेड, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे एग्जिट वाला यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। अब जब टच करेंगे तो क्या होगा देखते जाइए ध्यान से, ये आ गया, वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप वापस चले जाइए बैक, दूसरा आप पाठ्यक्रम को अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर लिख के आ जाएगा बच्चों कि यू है सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, देख रहे हैं, ये आ जाएगा लिख करके, ये लिख के आ जाएगा। उसके बाद ये दीक्षा ऐप के माध्यम से आपको मैसेज बॉक्स में एक इसी ऐसा ही एक मैसेज आएगा कि यू है सक्सेसफुली कम्प्लीटेड द ट्रेनिंग, डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। तो जब मैसेज आएगा उसके बाद आप आइएगा दीक्षा ऐप को ओपन करिएगा और प्रोफाइल के ऊपर डाउनलोड है, वहाँ से डाउनलोड क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा और फिर वो आप उसको PDF फाइल में रहेगा। लेकिन मोबाइल में आपके PDF रीडर एक होना चाहिए, चाहे एडोब एक्रोबीटर हो, कोई भी PDF रीडर होना चाहिए दीक्षा ऐप के अलावा। तो चलिए मैं बारी बारी से आगे बढ़ के बताता हूँ। तो ये हो गया, फिर आप वापस आइए, ये हो गया, और उसके बाद आप यहाँ अपना प्रोफाइल ये देख रहे हैं, प्रोफाइल को ये टच करेंगे, ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैसेज आ गया, मैसेज में आ गया तो डाउनलोड कैसे करना है, आपको मैसेज मिल गया या आप ये बता दिया कि कैसे आपको कंप्लीट योर कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो उसके बाद दिखे रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे है प्रोफाइल, यहाँ डाउनलोड था, यहाँ ट्रेनिंग और ये लाइब्रेरी। तो ये जो डाउनलोड है देख रहे हैं ना, ये डाउनलोड इसी पर हमको क्लिक करना है ऐसे, ठीक। तो चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं, ये हमने कर लिया, अब देख रहे हैं, या देखिए यहाँ पे देखिए ये
मैं आपको दिखा दूं फिर से। जैसे आप इसको टच करेंगे तो आपको ये डाउनलोड हुआ, देख रहे हैं ये डाउनलोड मैनेजर, यहाँ पर डाउनलोड मैनेजर V5D3N5 या डाउनलोड कंप्लीट। अब इस डाउनलोड कंप्लीट पर हम अपने अंगुली से टच करते हैं। टच करने के बाद ये ले जाएगा हमें यहाँ पर, देखिए कोई PDF, देख रहे हैं ये PDF है, ये PDF में ले जाएगा, कोई भी PDF में ले जाएगा। उसके बाद फिर उसको हम टच कर देंगे इसे, या नीचे यहाँ रहता है जस्ट वन, यहाँ टच कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी है टच हुआ है, हम इसको एडोब एक्रोबैट PDF रीडर है, ये देखिए मेरा ये सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये एक सर्टिफिकेट, इस तरह से आपको सर्टिफिकेट ये मिल जाएगा। इसी सर्टिफिकेट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या गैलरी में सेव कर लीजिए, अपने ANO को भेज दीजिए, ANO आपको बटालियन तक पहुंचा देगा, आपको सर्टिफिकेट मिले। इसी तरह से बारी बारी से जितनी भी कोर्स आप सीखना चाहते हैं फ्री हैं सब, NCERT बुक्स, अपने क्लास से संबंधित NCC, हमने बताया MHW जो है MHFW, उस कोर्स को, मोया को, ये सब कर सकते हैं आप। तो अब चलिए, अब ये हो गया, आप जान गए हैं कैसे सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। ओके, प्रशिक्षण लीजिए, स्वयं सेफ रहिए, घर में रहिए, बार बार हाथ से हैंड वॉश से हाथ साफ करते रहें, अफवाहों से बचें, सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देश का पालन करते रहें। ओके, जय हिंद।